नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मेरठ में सोतीगंज के छात्र कबाड़ी नईम उर्फ गल्ला पर शिकंजा कसने के बाद पुलिस ने आज कबाड़ी इकबाल की पटेल नगर स्थित दो संपत्तियों को भी कुर्क कर लिया। पुलिस ने दोनों मकानों पर सील लगाते हुए उनके बाहर जिलाधिकारी का नोटिस चस्पा कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में हलचल देखने को मिली। सदर थाना के सोतीगंज के कबाड़ियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस उनके द्वारा अनैतिक कार्यों से अर्जित की गई संपत्तियों को भी कब्जे में ले रही है। एएसपी कैंट सूरज राय के निर्देशन में भारी संख्या में पुलिस बल पटेल नगर पहुंचा तो खलबली मच गई। इस दौरान लाल कुर्ती और सदर बाजार थाने की पुलिस भी मौजूद रही। जी सर, देखिए ये हाजी इकबाल और इसके तीन पुत्र अफजाल, इमरान और अबरार, इन तीनों के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 219/21 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। इनका पुराना आपराधिक इतिहास काफ़ी विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इन्होंने इन पर मुकदमे पंजीकृत थे। उन्हीं मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ था और उस मुकदमे की विवेचना में ये प्रकाश में आया कि इन्होंने इनके आय का और कोई लीगल सोर्स नहीं है, वैलिड सोर्स नहीं है और इन्होंने अपराध करके यह संपत्ति जो है इसको अर्जित किया था। तो विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए हमने जो धारा 14(1) है गैंगस्टर एक्ट का, उसमें इनकी इन दोनों संपत्तियों का आज जब्तीकरण किया गया है। सर, कितने लोगों पे अभी तक कार्रवाई हो चुकी है, कितने लोग बाकी? कार्रवाई तो पिछले 6 महीने में काफ़ी सारे लोगों पर हुई है और अभी गैंगस्टर एक्ट के कई सारे मुकदमे और पंजीकृत हुए हैं जिनमें लगातार हम विवेचना जारी है और जिन लोगों ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है उसकी जानकारी हमारे द्वारा की जा रही है और उन पे भी अति शीघ्र ऐसी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।